इस 2 दिन के कार्यक्रम को एक तरीके से समराइज करें और वैलेडिक्टरी स्पीच जो है वो दें। A very good afternoon and welcome back to this last session, last part of 2 days conclave and discussion that we had in this hall. As all of you, most of you have been here from the beginning. You have already been informed as you have participated, what are the things that went on, what were the things we have discussed, and what we are to this last to take off in the near future. Summarization of the discussion we had. इसमें तो पहले आपको पता है ऑन द फर्स्ट थीम इन द फर्स्ट सेशन रिगार्डिंग हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली एंड एनसीआर बहुत चर्चा हो चुके हैं. दिल्ली एनसीआर में इंक्लूडिंग हरियाणा पंजाब और जो बात आ रहे थे कुरु प्रदेश कुरु प्रदेश इट मे एक्सटेंड टू सम अदर पार्ट्स इन एंड अराउंड दिल्ली एनसीआर आई अंडरस्टैंड. इसका फर्स्ट काम है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड काम होगा रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम सब लोग चाहेंगे कि जहाँ जहाँ ऐसे इम्पोर्टेंट मोनूमेंटल बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स हैं और जहाँ जहाँ पॉसिबल हैं संभव हैं तो वहाँ पर हम इसको एक लिविंग हेरिटेज साइट्स रूप में लाने के लिए ये हमारा सबका जिम्मेदार है. लिविंग मतलब ये है कि एक्टिविटीज वहाँ पर रहेगा, जिंदा है, गोइंग ऑन, देर इज लाइफ. अगर ओनली द माउंट ऑफ ब्रिक्स द पाइल्स ऑफ ब्रिक्स अगर ये हो तो ये होगा डेथ, जिंदा नहीं है ये डेथ काइंड ऑफ साइट्स. हेरिटेज साइट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स बट नॉट लिविंग हेरिटेज साइट्स. तो इसीलिए जैसे कल यहाँ पर रिक्वेस्ट या प्रपोजल थे कि देख देख के जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ उसी साइड में बाजू में मोनास्ट्री विहारा किया जाए तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, ताकि विहारा के साथ साथ ये जो साइट हिस्टोरिकल साइट उसका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, ये बात हो रहे थे. लेकिन ये कितना तक कहाँ तक संभव होगा वो टाइम विल टेल अस, क्योंकि जहाँ जहाँ हिस्टोरिकल साइट हैं जहाँ जहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट हैं
वहां पर बाजू में बौद्ध विहार बनाने के लिए परमिशन होगा नहीं होगा वो हमें देखना होगा, उसके लिए काम भी करना होगा। और आप लोग भी बोल रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 180 बुद्ध विहारास एंड मोनास्ट्रीज ऑलरेडी हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसका देखभाल करना, वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, उसके लिए कुछ काम करना जरूरी है। तो अगर हम जहाँ जहाँ अभी ये हेरिटेज साइट्स हम देखेंगे और हम हमको मिलेगा, तो वहाँ पर अगर नया से हमको बुद्ध विहार वहाँ पर स्थापना करना है, तो उसका भी एक क्वेश्चन होगा कि कैसे वहाँ पर हम बुद्ध विहार निर्माण करेंगे और वहाँ पर कौन रहेगा। आप लोग ही बोल रहे थे ना कि 180 या 200 बुद्ध विहार जो दिल्ली एनसीआर में हैं, जहाँ पर कोई के विहार में तो अभी कोई भिक्षु या मॉन्क नहीं है या नान नहीं है, जस्ट इट इज़ लाइक सम काइंड ऑफ हाउस या हार्ट या जैसे भी हो टेम्पल। वहाँ पर जो डेली बुद्ध वंदना धम्म वंदना जो लिविंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्ध विहार वो नहीं है। तो हेरिटेज साइट्स को डेफिनेटली हमको लिविंग रूप में लाना है ताकि इसका प्रोटेक्शन हो। जब तक ये लिविंग हेरिटेज साइट नहीं होगा जहाँ पर भी हो, वो धीरे धीरे करके ये लुप्त हो जाएगा, बिकॉज इन कोर्स ऑफ टाइम जो ब्रिक्स हैं जो भी हैं ये खई होते जाएगा, इसका डिस्ट्रक्शन होते जाएगा। बट व्हेन इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय सम पीपल अराउंड दैट एरिया, आई थिंक इट कैन बी प्रिजर्व एंड रिस्टोर्ड एंड ऑल्सो पुट टू लाइफ। दिस इज वन एस्पेक्ट वी हैव डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग सेशन। इसके लिए हमने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया है, नाम दिया है इसमें। अभी कौन कन्वेनर होगा क्या होगा हमने कुछ नहीं किया, हम आप लोगों के साथ और बैठेंगे विथ स्पेसिफिक ग्रुप, जो जो नाम दिए हैं आप लोगों के साथ हम बैठेंगे, बैठ के वहाँ पर टाई होगा कैसे कैसे काम करेंगे। डेफिनेटली IBC विल बी फेलिसिटेटिंग, काम तो आपको ही करना पड़ेगा, यही बुद्ध का भी बात थे है ना कि हाँ हाँ वही बात है, बंदे ने याद दिलाया कि तुम में ही किचंग अतप्पो अक्खा तरो तथागता, जो बात है। नहीं, हम वही सोच रहा था कि पाली बोलूंगे ना इंग्लिश बोलूं, क्योंकि पाली बोलने से कोई कोई बोलता है ना कि ये बंते जी क्या बोल रहे हैं हमको समझ नहीं आता है, फिर भी पाली बोलने से थोड़ा एक अंदर से एक जोश आता है कि ये बुद्ध का वाणी है ना, बुद्ध का वाणी है ऐसे करके। तो वही है कि ये काम तो आपको ही करना है, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। तो वैसी जैसे IBC भी रूल वैसी है, IBC डेफिनेटली विल फेलिसिटेट हेल्प जहाँ जहाँ संभव है, लेकिन हम आप लोग सबको मिलके इसका काम करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेशन का डिस्कशन एंड रिजोल्यूशन and decision. Then coming to the third session, skipping the second, the third session had been very interesting, and I found many venerable monks, nuns and lay practitioners, upasakas, upasikas were very much enthusiastic to be part of this third group, third working group, that is how we can celebrate collectively Buddhist events. और इसमें हमने चर्चा किया है 12 महीने में 12 इवेंट हम रख सकते हैं क्या नहीं। हम चाह रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो, छोटे हो या बड़े हो, हम हर महीने एक एक करके इवेंट रखेंगे ताकि हम लोग और जोड़ सकें लोगों को और हम भी अपने आप और इसमें काम कर सकें।
जस्ट फ्यू मिनट्स बैक भारतीय बुद्ध महासभा आई थिंक द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया है ना, वहां से एक हाँ 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 वही द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, वहाँ से एक रिक्वेस्ट लेटर आया है कि क्या क्या इसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इवेंट जो हो सकता है, तो ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडिशंस आ जाएगा हमारे पास, तो उसमें से कौन सा इवेंट को हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ओनली वी कैन हैव मैक्सिमम 12 फॉर 12 मंथ्स या वन मोर 13 है ना, तो इसीलिए अभी हमको अपना थेरावादा ट्रेडिशन में जो प्रोग्राम है उसको भी लेना है, और सोशल जो अदर इम्पोर्टेंट इवेंट जो हैं उसको भी लेना है, और हमारे नालंदा ट्रेडिशन और यहाँ पर नेचुरल ट्रेडिशन भी है और सुक्का काकाई ट्रेडिशन भी है, उनका अगर कोच है वो भी हम लेंगे, या श्रीलंका का भी है तो वो भी हम लेंगे, लेके कौन से इवेंट को हम कब कब रख सकता है हम देख लेंगे, आईबीसी विल ऑर्गेनाइज दैट। और जो प्रोग्राम आपने दिया है, इवेंट जो दिए हैं आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे डेफिनेटली, अगर आईबीसी नहीं करता है भी आप लोग करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पार्ट ऑफ दी फेलिस ये सेलिब्रेशन ग्रुप, वहां पर आईबीसी डेफिनेटली मदद करेगा, मदद जो जैसे भी हो सकता है इन व्हाटएवर फॉर्म विल एक्सटेंड आवर सपोर्ट एंड फेलिसिटेट, बट यू कैन ऑर्गेनाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसमें हमारा वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है, वर्किंग ग्रुप का नाम हम ले लिया, आप लोगों को सब मिला है नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर सब ऑल द पर्संस, अगर अगर किसी ने आपका नाम नहीं दिया, आप नाम देके वर्किंग ग्रुप में आपने नाम दिया लेकिन आपका नेम के बाद एड्रेस टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी नहीं दिया है अभी तक, तो आपको काइंडली जो कॉर्नर में बैठे हैं हमारे ये स्टाफ वहाँ पर आप दे दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हम मीटिंग बुलाएंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग या डिस्कशन कैसे क्या करना है। ये हो गया हमारे थर्ड थीम या सेशन के ऊपर डिसीशन एंड ऑल्सो रिजोल्यूशन, यहाँ पर भी हमने अभी कौन कन्वेनर बनेगा क्या अभी किया नहीं है, विल बी हैविंग ए मीटिंग विथ यू ऑल दैट टाइम विल डिसाइड हाउ टू स्ट्रक्चर एंड हाउ टू मूव अहेड। देन थर्ड सेशन सॉरी सेकेंड सेशन वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग है ना, थॉट प्रोवोकिंग एंड ऑल्सो सो मच एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स एंड डेलीगेट्स विच वॉज रियली रियली वेरी गुड। बट यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट एक ही रहेगा कि हम जो भी करेंगे बुद्ध भगवान का जो 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 रास्ते हैं इसको हम अपनाएंगे, कि हम जो भी करेंगे फर्स्ट थिंग इज अपना को सुधारने के लिए हम करेंगे, अपना को एम्पावर करने के लिए हम करेंगे, अपना को प्यूरिफाई करने के लिए हम करेंगे, डेफिनेटली विथ एन अंडरस्टैंडिंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बट नॉट टू हार्म अदर्स, नॉट टू हार्म अदर्स। तो जहां जहां पर हम कॉन्फ्लिक्टिंग कुछ व्यूज या सोच या प्रोग्राम एक्टिविटीज में जाएंगे वहां पर सोचना पड़ेगा, वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी कॉन्फ्लिक्ट आइदर विद इन आवरसेल्व्स और विद समवन एल्स आउटसाइड। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा टू वर्क इन हार्मोनी फॉर पीस हैप्पीनेस डेवलपमेंट एम्पावरमेंट एंड हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस। हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस का बात ये मेरा दिल का बात है, सॉरी दिस वन से मेरा दिल का बात है,
मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया में ओनली दो मनुष्य हैं, एक हैं पुरुष, दूसरा है महिला या नारी। इसके अलावा और जो जो भी आपने नाम दिया है वो हमारा क्रिएशन है। आप अपना खुद को बुद्धिस्ट कहें या क्रिश्चियन कहें, जैन कहें, मुस्लिम कहें, आप इसमें कृष्णा भगवान या विष्णु भगवान या सरस्वती पार्वती, आप जो भी आप देव देवी का नाम लें या अल्लाह मोहम्मद यीशु जीसस क्राइस्ट या बुद्ध भगवान महावीरा और जो भी आप नाम लेंगे, ये आपका फ्रीडम है, ये आपने बनाया हुआ है, सब हम लोग ने बनाया है, हम लोग ने लिया है ये सब जो चीज है। लेकिन एक सच बात तो ये है कि हम सब इंसान हैं, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, हम सब इंसान हैं। और जब हम सब इंसान हैं, हम लोग सब लोग जिस नाम से हम पुकारें अपना को, हम लोग सेम सिस्टम में पैदा होता है। अब जिस भगवान को मानिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई भगवान आज तक हमारे सामने नहीं आया जो अपना शिष्य को अपना भक्त को माँ का पेट से पैदा नहीं करके छुपछा करके पैदा कर दिया, आज तक मैंने नहीं देखा। अगर ऐसे कुछ ईश्वर भगवान होता और अपना अपना भक्त को संतुष्ट करता और ब्लेसिंग देता और उनका बीच में अगर कंपटीशन लगता, डेफिनेटली आप देखेंगे हमारा भक्तों का बीच में भी बहुत सारे कुछ होता कि इंद्र भगवान ने अपना भक्तों को, अपना शिष्य को एक एक्स्ट्रा पावर देके बना के भेज दिया इधर जगत में, और अल्लाह ने अपना शिष्य को, अपना भक्त को, अपना फॉलोअर्स को दूसरा तरीका पावर देके भेज दिया यहाँ पर, और यीशु जीसस क्राइस्ट भी एक अलग से पावर देके बना के भेज दिया, बुद्ध भगवान ने कुछ ऐसे बना के भेज दिया, ऐसे हो सकता था। लेकिन हमारा ये एक्सपीरियंस है दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग सब एक ही हैं, वी ऑल आर ह्यूमन्स, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड हम लोग सब इंसान हैं और सेम सिस्टम में दुनिया में आए हैं, जीन क्या बोलता है इसको, वी आर लिविंग, हम लोग जी रहे हैं, और जीते समय जो भी हो रहा है हमारा बीच में, हमारे साथ सब एक ही सिस्टम में सेम लाइन में हो रहा है। जैसे यहां पर दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो बिना खाके जी रहे हैं, जो एक पार्टिकुलर ईश्वर भगवान का वक्त है, और ऐसे कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो जन्म पैदा होने के बाद वो बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे करके बुढ़ा बुढ़ी नहीं होता, ऐसा कोई नहीं है। ऐसे इंसान कोई नहीं है जो व्याधि रुख धीरे धीरे करके उसका क्या अंतिम तक मरना पड़ता है, नहीं मरता, ऐसा कोई नहीं है। इसका मतलब यही हो रहा है कि आप अपना को कुछ भी नाम दीजिएगा, आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, ओनली मेल एंड फीमेल योर आइडेंटिटी, बट वी ऑल हैव टू गो टू द सेम इन द सेम प्रोसेस
will be born, will grow, and one day we will die. When we die, nothing goes with us. हमारे साथ कुछ नहीं जाता है. अगर कोई किसी ईश्वर भगवान का ताकत है तो दिखाइए ना कि अपना भक्त के साथ जो जितना पैसा कमाया, जितना घर दौलत सब जो किया, बेच दें उसके साथ, मरने के साथ चला जाएगा वो भी नहीं है. इट इज एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल. हम लोग इंसान हैं, इसमें हम लोग अपना बीच में एक डिवाइड करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है. कोई कोई बोलते हैं कि ये तो दलित हैं, मैं ब्राह्मीन हूं. कोई बोलते हैं मैं वैश्य हूं. कोई बोलते हैं मैं तो क्षत्रिय हूं. कोई बोलते हैं मैं तो अमीर हूं. कोई बोलते हैं कि आई एम हाईली एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, मैं इतना काम कर रहा हूं, मेरा जैसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैं तो सेवक हूं. और कोई कोई बोल रहे हैं कि मैं तो राजा हूं, मेरे पास इतना पावर है. अगर आपके पास इतना पावर है, आप लोग इतना इंटेलिजेंट हैं, आप दिखाइए तो, ऐसे एक चीज कीजिए, इन्वेंट कीजिए कि दुनिया में आप हमेशा के लिए रह सकता है. जवान जैसे, जवान है ना, जवान मतलब क्या, यूथ. कोई तो बुढ़ा होने के नहीं चाह रहा है, नहीं चाहता है, चाहता है क्या? बुढ़ा होने का नहीं चाहता है. अभी बाल सफेद होता है, इसको इसमें क्या ब्यूटी पार्लर में जाके ये कलर चेंज कर लेता है ना. दांत गिरता है, ठीक है, इसको क्या करता है, जाके फिलाप कर लेता है. दुनिया में कोई भी दुख नहीं चाहता है, बुढ़ा होना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता है. फिर भी हमको उसी रास्ता में चलना पड़ता है. अगर कोई ऐसे भगवान है, कुछ ईश्वर है, कुछ है, इसको इसको स्टॉप करो ना. कर सकता है कोई? दिस नो पावर. दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ. इसको हमको समझना पड़ेगा. तो राजा जितना भी पावर हो, आपके पावर कुछ काम के नहीं आएगा जब ये यूनिवर्सल लॉ अप्लाई होगा. राजा हो या प्रजा हो या शूद्र हो या दलित हो या ब्राह्मीन हो या क्षत्रिय हो या अमेरिकन हो या जापानीज हो, थाई हो, इंडियन हो, जो भी हो, आपके पास जितना पावर हो, साइंटिस्ट हो या अनपोर हो, भिखारी हो, जो भी हो, एक दिन जब अंतिम पल आएगा, आपको यही डस्ट, डस्ट में आपको मिलना पड़ेगा. You come from dust and go back to dust. There is no power to stop that. Right? This is actually my personal understanding of life and existence. So, we as Buddhists, we need to work with the understanding of universality of the Dhamma. बुद्ध ने जब धम्मा टीचिंग किया, सबके लिए किया है, वही हमारे दिमाग में रखना होगा. ये धम्मा जो है सबका भलाई के लिए है, सबका मंगल के लिए है, सबका सुख शांति के लिए है. इसीलिए जो हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस के बाद जो हमें कर रहा हूं, ये है कि इंसान इंसान में झगड़ा न हो. ये सीखें, ये जाने कि एक दिन हमको सबको जाना है. दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इसको रोक सकता है. जब हम जीतते हैं, कितना टाइम है, पल पल तो चला जाता है. जब से पैदा हुआ अभी तक कितना, जस्ट लग रहा है कि हम काल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उम्र कितना हुआ, कितना हुआ मेरा उम्र, आप बताइए तो. हाँ, 70, हाँ 50, एग्जैक्टली डॉट बोल दिया. 50 से लग रहा है क्या? मैं तो सोचा आई एम 28 ईयर्स ओल्ड. हाँ, तो ज्यादा बोल दिया आपने, इसका मतलब मैं तो बहुत बुढ़ा हो गया हूं. जो भी हो,
ये तो कोई नहीं रोक सकता है ना। तो हारमोनियस को एग्जिस्टेंस जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इंसान इंसान में झगड़ा ना हो, जस्ट बिकॉज यू आर वाइट ब्लैक और दिस कास्ट और दिस रीजन और दैट रीजन, लेट अस अंडरस्टैंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सब्जेक्ट टू ऑल द वर्ल्डली कंडीशंस। अगर अलग अलग ईश्वर भगवान होता, अगर कोई ऐसे ताकत होता, आज कोरोना वायरस को क्यों नहीं रोक सकता, बोलिए तो। लेट दी फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स प्रे टू देयर रिस्पेक्टिव गॉड, अपना अपना भगवान का पावर दिखाइए ना। आज हमने अपना भगवान को रिक्वेस्ट करके प्रे करके कोरोना वायरस खत्म करते, दिखाइए अगर ऐसे हो तो। कहां हो रहा है? इसका मतलब है कि हम लोग ये नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, धम्मा प्रकृति का नियम जो है उसका सामने हम लोग समान हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कोई कोई बोल रहे थे कि उस समय हमने सुना यूट्यूब में कि ये तो कि कोई किसी का भगवान या अल्लाह ना कोई कौन है, कोई बेजा है फॉर सम पीपल, इसे बोल रहे थे। ऐसा नहीं होता। जब कुछ पेंडेमिक होता, इंसान के लिए सबके लिए एक ही तरीका ये अफेक्ट करता है। सो वी शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। जब कुछ क्लाइमेटिस होता है, पेंडेमिक होता है, ये भगवान ने भगवान का किया हुआ, इसे कुछ नहीं होता। भगवान कुछ नहीं करता, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स, ये डिस्ट्रक्शन रिक्रिएशन। कभी जैसे मैं सुबह बोला ना, कभी खुशी कभी गम, कभी रोना कभी हंसना, ये है जिंदगी का क्या चलन, राइट? तो हमको ये झलना पड़ेगा, इसको झलना पड़ेगा। दैट इज वाई लेट अस रिस्पेक्ट ईच अदर, ये मेरा कहना है। लेट अस ट्रीट ईच अदर विथ डिग्निटी, विथ ह्यूमिलिटी एंड हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। इन माई हार्ट आई हैव फीलिंग फॉर एनिमल्स। मुझे ये लगता है कि मीक एनिमल्स, वीक एनिमल्स, इसका ऊपर हम लोग बहुत टॉर्चर कर रहा है, एट्रोसिटीज इतना करता है इसका ऊपर। हाउ आई हैव द राइट टू लिव फ्रीली, ओपनली एंड सिक्योरली इन दिस वर्ल्ड, इन दिस प्लैनेट अर्थ। एवरी लिविंग बींग, एवरी एनिमल हैज द सेम राइट। हु आर वी, हु आर यू टू डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ द एनिमल जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर टंग, द फूड और समथिंग एल्स। जैसे मुझे मरने के लिए नहीं डील है, जैसे मैं मरने नहीं चाहता हूं, कोई प्राणी मरना नहीं चाहता, फिर भी हम जबरदस्त उसको मार डालता है। दिस इज द एट्रोसिटीज द वी ह्यूमन बींग्स कमिट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस, एक्चुअली आई रिफर टू even animal kingdom, we have to treat the animals with kindness. Apna beech mein with respect and dignity and humility hum ek dusra ko treat karenge. But when we treat with animals, we should treat animals with loving kindness, with compassion, daya, karuna. Yahi mera kehna hai. Isiliye जो सेकंड थीम, सेकंड टॉपिक, इश्यूज एंड चैलेंजेस बिफोर द संघ मेंबर्स एंड ले बुद्धिस्ट कम्युनिटीज, जब हम काम करेंगे, इसका दो अलग अलग वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है। हमें यही ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि जो भी हम करेंगे हारमोनियसली हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकता है। उपासक लोग मॉन्क्स को ब्लेम करेंगे, मॉन्क्स लोग उपासक लोगों को ब्लेम करेंगे, इसे नहीं होगा। जहां जहां ब्लेम होगा वहां पर काम नहीं हो पाएगा। जहां जहां अहम भाव आएगा, मैं ही कर रहा हूं, जहां जहां मैं बोलेगा वहां पर काम नहीं होगा, क्योंकि ये मैं जो है दिस इज डिस्ट्रक्टिव। बुद्ध ने इसीलिए एक वर्ड या टर्म यूज किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है,
अनात्मा, राइट? बुद्धिज्म इज क्या? आत्मवाद ना अनात्मवाद क्या है? अनात्मवाद है, राइट? अनात्मा, देखिए अनाथ या अनात्मवाद, अनात्मा, आत्मा जो है ना, बहुत लोग बोल रहे हैं आत्मा मतलब सेल्फ है क्या, ये वो जो पेरिनियल को एग्जिस्टेंस जो होने वाला है, बुद्ध ने इसको नेगेट किया, हम लोग तो अनात्मा है इसे बोल रहे थे, बट इसका एक्चुअल डीपर मीनिंग हमको समझ में नहीं आता। ये है फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, एकेडमिक डिस्कोर्स, लेट देम डू दैट, लेकिन प्रैक्टिकल तो वो नहीं है। प्रैक्टिकली यही है तो सत्य या दिट्ठी जो है ना, जो हमारा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस, जो प्राइड अहम भाव को खत्म करना ही एक्चुअल हमारा अनात्मावाद। अहम भाव, मैं, जब मैं जब तक है सत्य दिट्ठी, देखिए मैं जब तक है तब तक आप अर्हत नहीं हो सकता है, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ अटैचमेंट टू योर ओन सेल्फ क्रिएटेड आई इमेज, सो यू कैन नॉट सी द ट्रूथ। इसीलिए हम जब संघ के साथ बात करेंगे, काम करेंगे, उपासकों के साथ काम करेंगे, काइंडली माई रिक्वेस्ट इज नॉट टू ब्रिंग दिस थिंग ऑफ आई, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, बांती लोग सब ये नमतसा करने वाला है, ओनली खाने वाला है, सोने वाला है, चांदी करने वाला, ऐसे नहीं सोचना है। अपना अपना तो काम कर रहा है जो भी होगा, और जहाँ जहाँ बांती लोग भी ये नहीं सोचना है कि उपासक लोग तो हमको गाली दे रहे, हम भी गाली बैक करेंगे, है ना, तो क्या होगा? ये तो बुद्ध का नियम नहीं होगा। एक को गाली देगा, दूसरा उसके बैक करेगा, एक दूसरे को थापड़ देगा, दूसरा थापड़ देगा, तो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। माई रिक्वेस्ट विल बी लेट अस वर्क विथ ह्यूमिलिटी एंड ऑल्सो इन हारमोनी सो दैट वी अचीव आवर गोल। आई थिंक आई डो नॉट हैव मच थिंग टू से, इट इज टू मच, आई हैव बीन स्पीकिंग आई थिंक ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द प्रोग्राम ड्यूरिंग दिस टू डेज। आई थिंक इट इज क्वाइट टू मच दैट यू हैव बीन हियरिंग फ्रॉम मी, आइदर यू फेल बोर्ड और यू एंजॉयड और यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट, बट आई हैड टू स्पीक एज द प्रोग्राम हैड बीन ऑर्गेनाइज एंड आई हैव बीन गिवेन द responsibility to communicate to you the ideas that IBC has conceived. At the last, I would appreciate and also thank for whatever thing that you have given your thoughts. Definitely we'll be having vote of thanks by our Director General DG of IBC. From myself also, I would like to appreciate your for your time, for patience, and whatever valuable suggestions you have shared with us, enriching IBC perspective and program. Hope to work together with you in the future for harmonious coexistence, for peace, for happiness, for all living beings. Thank you so much. And thank you very much, Venerable Dr. Dhammapiya, for that comprehensive summary. And I'll now request Shri Shakti Sinha, Director General of IBC, to kindly propose a formal vote of thanks. Meri Shakti Sinha ji se request hai ki ab aake wo vote of thanks dein. हमारे सेक्रेटरी जनरल वेनरेबल डॉक्टर धम्मपिया जी, भिक्खु संघ के मंक्स भंटे भिकुनी, सबको मेरा नमन, सैल्यूटेशंस, अभिवादन, और आप सब भाइयों बहनों, उपासक उपासिकाएं, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई भी फंक्शन में औपचारिक रूप से धन्यवाद प्रस्ताव होता है, मेरे ख्याल से इस दो दिन के बाद इसको औपचारिक नहीं अनौपचारिक ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दो दिन में जो एनर्जी मिला आपसे हम सबको, ये माना जाएगा कि जो दो दिन की बैठक हुई है, ये बैठक
अगर हम इसको आगे बढ़ा पाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको बनाने में हमारे पूरा IBC की टीम, हमारे भंते जी के लीडरशिप में काम की। ये आइडिया आया कैसे करना है, क्या क्या टॉपिक सेलेक्ट करना है, किन किन लोगों को बुलाना है, तो हमारे बहुत लोगों ने बहुत काम दिया है। रामा जोत्सवा जी ने इतना सुंदर तरीके से प्रतिमा को लाया, खुद बैठ के पॉलिश कर करके डेकोरेट करके, तो इस तरीके से ह्यूमिलिटी के साथ, अनुकंपा के साथ आप सब ने, हमारे वक्ताओं ने, इतने सारे वक्ता थे कि सबका नाम लेना सही नहीं होगा कि गलती से कोई नाम छूट जाए वो ज़्यादा खराब है, तो सभी वक्ताओं को हम सबके दिल से धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सभी मुद्दे पर अपनी बात रखी। हमारे ग्रुप्स ने मंगला चंद किया, विशाखा ग्रुप ने मंगला गाथा सुनाया हमें, हमारे आशीष जी, आशीष बरुआ जी और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की, कम देर में, बहुत कम समय में ये पूरा किया गया है, बहुत कम दिन के अंदर। ये हम सीख रहे हैं कि अगले बार के लिए थोड़ा एडवांस वार्निंग करेंगे, और अभी तो खैर छोटे छोटे ग्रुप्स की मीटिंग करानी है, वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग करानी है, तो उसमें ज़्यादा सहूलत होगी, बट लोग को बुलाना, कई लोग छूट गए हैं, इसलिए आप लोग तो सब अपना, जैसे मंडे जी ने कहा, नाम दे दीजिए कौन कौन और ग्रुप से, हम सबको अपने लिस्ट पर डाल देंगे कि जितना ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो, जितना ज़्यादा ग्रुप्स को मौका मिले आने का, उतने ज़्यादा शक्ति आती है संगठन में। नेटवर्क बनाना है तो जो भी, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वो चेन उतना ही तगड़ा होता है जिसका सबसे दुर्बल लिंक है। बहुत मोटा चेन, अगर एक लिंक उसका दुर्बल है तो चेन की मजबूती उसी से जानी जाती है। तो ऐसी कमी हम में ना रह जाए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी तरफ हमें अपना पूरी तरह से हमें बताएं क्या करना है। और हमारा काम है जैसे आपके लिए सपोर्ट करना, सहायता देना, किस तरीके से भी। हमारे यही अब तक IBC नहीं कर पाई है, IBC बहुत शुरू में दिक्कत होती है संस्था खड़े होने में, स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको मंगोलिया से भी लोग से बात करनी है, कोरिया से भी, साउथ कोरिया से भी, ताइवान से भी, अन्य देशों से भी। रशिया में एक दो रिपब्लिक है, कलमैकिया जैसे है, बौद्ध रिपब्लिक है, उनके साथ संबंध बनाना, तो ये सब में कुछ समय लग गया। अब आपके साथ, भारतीय संघ के साथ और भारतीय उपासक उपासिका के साथ ये लिंक बनाने की हमारी कोशिश है, जोड़ने की कोशिश है, और इस जोड़ने के जैसे काम में बहुत लोगों ने काम दिया है। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहायता के बिना आज का ये फंक्शन, हमारे मास्टर सेरेमनीज ने बहुत मेहनत किया उसके लिए, पूरी टीम ने, IIC के स्टाफ ने हमें खाना खिलाया, चाय पिलाया, सब कुछ किया, तो सब ने जिस हमें इस प्रोग्राम को, प्रोग्राम तो कहना, फिर भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्रोग्राम नहीं है ये, बैठक है। प्रोग्राम होता बड़ा औपचारिक होता, कोई नेता आया, भाषण दिया, माला पहनाया, चला गया, वो आइडिया हमारा नहीं था। हमारा आइडिया था कि आपके साथ जोड़ के रखना और किस तरह से आगे बढ़ाना, और इसीलिए आप सबका, सबसे अगर किसी को धन्यवाद देना है तो आप सबको। हमारा तो काम था सपोर्टिव रोल था, जो फिल्म होता ना सपोर्टिंग एक्टर, मुख्य नायक तो आप हैं, मुख्य नायक आप हैं, तो आप सबको मेरे ख्याल से पूरे IBC परिवार की तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीज हैं, और कभी काफ़ी बड़ा परिवार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सबकी ओर से आप सबको, जो आप प्रस्तुत आज हैं, जो चले गए हैं, नहीं हैं, जो कल थे, या जो नहीं आ पाए वीडियो लिंक से संबंध किए, लामा लोबसांग ने किया, मलिंग ने किया, हमारे वक्ताओं ने बाहर से किया, किसी तरह से आप इस फंक्शन को बनाने में, इस बैठक को बनाने में PN धर साहब ने किया, शांतम सेठ ने किया, तो कोशिश रही हम सबकी सबसे जोड़ने की। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि आप ही हमारे, आज किसी, मेरे ख्याल से भंडे जी ने कहा भी कि IBC के पास कोई शक्ति नहीं है, हम तो शक्ति आपसे लेते हैं, मेरा नाम ही कह लें, शक्ति तो आप हैं, आपका काम है हमें शक्ति देना। सशक्तिकरण IBC का तभी होगा जब हम मिलजुल के, और जैसे मैंने कहा, संसाधन की कमियां सब जगह रहती हैं, लेट अस बी फ्रैंक, मगर उस कमी में भी जितना संभव हो IBC आपके साथ है, फंक्शन कराने में, जोड़ने में लोगों को, और भी कामों में। संसाधन हमारे रास्ते में नहीं बाधा आनी चाहिए,
कोशिश हमारी रहेगी कहीं से जोड़ जाड़ के हाथ पैर जोड़ के जो जो करना हो सामधन करके हम संसाधन जोड़ेंगे कि संसाधन की कमी से ऐसा ना हो कि हम आगे ना बढ़ पाए। सो लास्ट में वंस अगेन लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू आवर मंक्स फ्रॉम कंबोडिया बाकी जगह फॉर योर प्रेजेंस हियर योर कॉन्ट्रीब्यूशन हियर एंड वी होप दैट दिस इज ओनली द पहला कदम। 100 मील की अगर सफ़र करना है तो पहला कदम लेना बहुत आवश्यक था। यह पहला कदम आपने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से लिया है। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अभी कोई नहीं जाना है प्लीज फोटो की जाना नो फोटो। अच्छा अभी लास्ट चैंटिंग होगा। लास्ट चैंटिंग विशिंग द बुद्ध धम्म spread all over the world and like prevail, let the sadhammo the truth the dhamma the real dhamma prevail in the world for the happiness and benefit and good of all. So we'll be chanting it in Pali, you'll be repeating. Ab idhar aaiye, aap dono ko hum sab ki or se bahut bahut dhanyawad. जनरल के रूप में आया है, आपको स्वागत है। आपके साथ हमारा काम पूरा अच्छी तरह सफल हो। अच्छा हाँ बंटे जी, लमा जी आइए। अभी आप अच्छा इसीलिए आप बहुत बहुत आभारी हूँ हमारा तरफ से सबके तरफ से। At the end, may I request all to raise, please. Raise matlab stand up. Buddha Dhamma Sangha ko respect karte hue, everyone, haath jod ke, pehle 3 baar namotassa bolenge. इसके बाद चिरं तिथातु सद्धम्मो सम्मा संबुद्ध शासनं तस्मिं सगरव निच्चं हंतु सभ्येपि पानिनो। ये 3 बार हम चैंटिंग करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि मैं फॉर द बेनिफिट फॉर द हैप्पीनेस for the mangala auspiciousness of all. Iska meaning yehi hai. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chiram tithatu sadhammo samma sambuddha sasanam tasmin sagarava nichyam hantu sabhepi palino duryampi chiram tithatu sadhammo samma sambuddha sasanam tasmin sagara vanicham hantu sabhepi paanino hantu sabhepi paanino
Tatiyampi Tatiyampi Chirang Tithatu Saddhammo Chirang Tithatu Saddhammo Samma Sambuddha Sasanam Tasmin Sagara Vanichyam Hantu Sabhe Pipanino Sadhu Sadhu Sadhu. Thank you so much. May all of you be happy and peaceful. Thank you. लोगों को सभी में इच्छा होगी।